The Emperor's New Clothes. कई साल पहले एक राजा था जिसे बस कपड़े पसंद थे। अपनी प्रजा को संभालने से ज्यादा उसका ध्यान हर घंटे अपना सूट बदलने में लगा रहता था। वो रोज अपनी सवारी में बैठकर बाजार जाता था ताकि लोग उसका नया सूट देख सके। उसे अपने नए कपड़े लोगों को दिखाने में बड़ा मजा आता। मंत्रियों से राज्य के बारे में जानने से ज्यादा उसे अपने सूट के बारे में चर्चा करना अच्छा लगता था। तो मेरे प्यारे मंत्रियों, आपको मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? क्या ये कल वाली ड्रेस से बेहतर लग रही है? जी महाराज, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या बेहतरीन डिजाइन है। राजा के उनके कपड़ों के प्यार की चर्चा दूर दूर तक फैली और दो शैतानों के कान तक पहुंच गई। दोनों शैतान राज दरबार तक पहुंच गए और राजा से मिलने की गुजारिश की। भला तुम दोनों को राजा से क्या काम है? वो बहुत व्यस्त हैं और ऐसे हर किसी से नहीं मिलते। ओ, हम दोनों सिलाई करते हैं सर, और पूरे राज्य में हमारे जैसा कोई नहीं है। हमने सुना है राजा को कपड़ों का बहुत शौक है, इसलिए हम उनके लिए खास कपड़े का सूट बनाएंगे। लेकिन महाराज के पास तो ऐसे अलग अलग कपड़ों के काफी सूट्स हैं। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कपड़ा है? ठीक है तो सुनो, हमारा कपड़ा बहुत ही हल्का और नर्म है। ये आसानी से दिखता भी नहीं, बल्कि ये सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो अपना काम करने के लायक हैं, और बेवकूफों को तो ये दिखाई भी नहीं देता। जैसे ही सेवक ने ये सुना, वो राजा को इस नए कपड़े के बारे में बताने गया जिसकी वो दो लड़के बात कर रहे थे। तो इसे बेवकूफ नहीं देख सकते। ठीक है, और जो काम करने के लायक नहीं है ये उन्हें भी नहीं दिखेगा। वाह क्या बात है। अगर ये सच है तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मंत्री और सेवकों में से ऐसा कौन है जो ईमानदार नहीं है। सेवक दोनों लड़कों को तुरंत बुलाने गया। अब चलो तुम दोनों, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम दोनों ने तारीफ तो खूब कर दी है, अब देखते हैं। दोनों लड़कों को राजा के सामने पेश किया गया जहां मंत्री भी मौजूद थे। तो तुम्हारे पास खास कपड़ा है सच में? हाँ मेरे महाराज, ऐसा कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत खूब, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, लेकिन सूट राजमहल में ही बनेगा। शुरू करने के लिए ये लो सोने का बैग, और कुछ भी चाहिए तो बोल देना। जी बिल्कुल मेरे महाराज, हम सिलाई राजमहल में ही करेंगे और आपके लिए सबसे बढ़िया सूट बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं पहना। राजा के आदेश पे कमरे में दो लूम्स लगाए गए। दोनों ने सोने के धागे और मुलायम सिल्क की मांग की, जिन्हें उन्होंने अपने झोले में छुपाकर मेहनत से काम करने का नाटक किया। दूसरी ओर राजा ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि आखिर लड़के कर क्या रहे हैं, और अपने खास मंत्री को उन पर नजर रखने के लिए भेजा। सुनो, तुम मेरे तजुर्बेदार मंत्रियों में से एक हो और बाकी सबसे होशियार भी, तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह विश्वास कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जाओ और देखो कि लड़के कैसा काम कर रहे हैं, और मुझे बताओ कुछ चाहिए तो। बाकी मंत्रियों को शायद कपड़े ना दिखें, समझे ना? जी बिल्कुल मेरे महाराज, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। जल्द ही मंत्री कमरे के पास गया और खिड़की से झांकने लगा। आइए आइए, अंदर आइए।
जरा इस खूबसूरत और अनोखी डिजाइन को तो देखिए, और इसके रंग कितने निखर के आ रहे हैं। आपको पसंद आया सर? हमने इस पे बहुत मेहनत की है। हाँ, मैंने इतना बढ़िया काम पहले कभी नहीं देखा। महाराज खुश होंगे। करते रहो, ऐसे ही काम करते रहो। और हाँ सर, क्या आप थोड़े सोने के धागे और सिल्क का इंतजाम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हे भगवान, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मुझे दिख नहीं रहा। चश्मा सही नहीं है, या मैं बेवकूफ हूँ और यहाँ काम करने के लायक नहीं हूँ। मंत्री राजा के पास लौटा। उसने फैसला किया कि वो किसी से नहीं बताएगा कि उसे कपड़ा नहीं दिखा। इतने साल नौकरी करने के बाद वो ये नहीं चाहता था कि लोग उसे बेवकूफ कहे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मंत्री जी, लड़के जिस कपड़े पे काम कर रहे हैं वो तुम्हें कैसा लगा? ओ मेरे महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने ऐसे रंग और डिजाइन आज तक कभी नहीं देखी। क्या वाकई में इतना बढ़िया है? क्या मुझे उस कपड़े का सूट अपने विशाल परेड में पहनना चाहिए? जी हाँ मेरे महाराज, सबकी आंखें खुली रह जाएगी। दोनों लड़के राजा को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहे। उन्होंने सोने के धागे और मुलायम सिल्क की फिर से मांग की और फिर से अपने झोले में डाल दिया। उन्होंने मोमबत्ती मांगी ताकि लोगों को लगे ये रात को भी काम करते हैं। उनकी कैंचियां बस हवा में चलती रही, बिन धागों की सुइयां हवा की सिलाई करती रही। कुछ दिनों बाद राजा फिर से बेचैन था अपने नए कपड़ों के बारे में जानने के लिए। अब बारी है मेरे सबसे भरोसेमंद सेवक को लड़कों के पास भेजने की। राजा ने संदेश भेजकर उस आदमी को बुलवाया। सेवक, जाओ और पता लगाओ मेरे सूट के बारे में और वापस आके मुझे सब विस्तार से बताओ। तो आखिरकार वो उस कमरे की तरफ गया जहां लड़के काम कर रहे थे। आइए सर, आप यहाँ सूट देखने आए होंगे है ना? हमें पूरा भरोसा है कि आप और महाराज मायूस नहीं होंगे। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि राजा ये सूट उनके विशाल परेड में पहन सके। तो आपको कैसा लगा सर? क्या आपने कभी इतनी बढ़िया डिजाइन और इतने प्यारे कलर्स देखे हैं? सेवक भी मंत्री जैसे ही असमंजस में था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर अगर वो ये बात मान लेता तो बेवकूफ कहलाता और लोग उसे अपने काम के लायक नहीं समझते। मंत्री की तरह वो भी अपनी गिनती बेवकूफों में नहीं करवाना चाहता था। मानना पड़ेगा, ये तो बहुत ही बढ़िया सूट है। हमारे प्यारे महाराज को एकदम फिट आएगा। और वाकई में मैंने इतना सुंदर काम पहले कभी नहीं देखा। दोनों लड़कों ने सेवक को बड़ी ही चालाकी से सूट के बारे में समझाया। सेवक बस उन्हें देखता रह गया, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसके बारे में वो बताता कैसे। तो सेवक, सूट के बारे में क्या ख्याल है? सेवक ने राजा को कलर्स और डिजाइन्स के बारे में ठीक वही बताया जो उसे समझाया गया था। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं जताना चाहता था कि उसे कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि लोग उसे बेवकूफ कहते। ठीक है, लगता है मुझे अब खुद ही जाकर सूट देखना पड़ेगा। सब लोग उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे। मैं बहुत ही बेचैन हो रहा हूँ। अगले ही दिन राजा उस कमरे में गए जहाँ लड़के काम करने का नाटक कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे और आंखें लूम पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा से खेल रहे हो। आइए मेरे महाराज, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये लाजवाब है, आप पे ये खूब जमेगा। लोग परेड में बस आपके सूट की ही बात करेंगे। देखिए जरा जैकेट और पैंट देखिए, आपको ये अपने बाकी शाही कपड़ों से बेहतर लगेंगे। और ये कोट बढ़िया है ना? सब कुछ बहुत ही रेशमी और सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह।
राजा की लाख कोशिश के बावजूद भी उसे कुछ नहीं दिखा। मैं इस राज्य का राजा हूँ और अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ दिखा नहीं तो लोग मुझे राजा के लायक नहीं समझेंगे। बेवकूफ कहलाने के डर से राजा ने भी हामी भर ली और बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी सूट की जमकर तारीफ कर दी। परेड वाले दिन दोनों लड़कों ने राजा को सूट पहनाने का नाटक किया और राजा भी भावनाओं में बह गया। आइए मेरे महाराज, यहाँ शीशे में देखिए, लीजिए ये जैकेट और पैंट पहनिए। लड़कों ने राजा को शर्ट और पैंट पहनाने का झूठा मूठा नाटक किया। पैंट को कमर से बांधा, कॉलर ठीक किया और बाकी छोटी मोटी चीजें ठीक की और फिर अपने काम की सराहना करने लगे। क्या लाजवाब फिटिंग है, आपको कैसा लगा महाराज? ये रंग आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए कोट का बटन लगा दूं। और हो गया, आपका क्या कहना है महाराज? ठीक है, कहना पड़ेगा तुमने अच्छा काम किया है। जैसा कि तुमने कहा, बढ़िया फिटिंग है, साथ ही डिजाइन और कलर भी शानदार है। बावजूद इसके राजा को कपड़े नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो शीशे के सामने खड़े रहे और अलग अलग ढंग से अपने आप को देखने की कोशिश करते रहे। तो मेरे महाराज, परेड में जाकर लोगों को ये सूट दिखाने का समय आ गया है। सेवक आगे आया और राजा के स्वागत के लिए सिपाहियों को जमा किया। शहर के सारे लोगों ने राजा के कपड़ों के बारे में काफी सुना था और उन कपड़ों में उन्हें अपने राजा को देखने का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार जैसे ही राजा लोगों के सामने आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उतने में पीछे से एक छोटे से बच्चे की आवाज आई। अरे ये तो डायपर में है। और सभी लोग यही बात चिल्लाने लगे, ये तो डायपर में है, ये तो डायपर में है, ये तो डायपर में है। तब राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें अब समझ में आया कि दोनों लड़कों ने उनको, मंत्री को और सेवक को बेवकूफ बनाया था। अब बेचारे राजा को बाकी परेड बिना कपड़ों के ही पूरी करनी थी। और हाँ, वो दोनों लड़के राजा के दिए हुए सोने, धागे और मलमल को लेकर रफू चक्कर हो गए और कभी भी दिखाई नहीं दिए।